नमस्कार, इंसानियत के आवाज न्यूज चैनल पे आप सभी का स्वागत है। वार्ड नंबर 8 से पार्षद उम्मीदवार सरोज राणा में मौजूद पार्षद जोगिंदर राणा जी ने मोहन नगर में एक विशाल मीटिंग का प्रोग्राम आयोजित किया, जिसमें मुख्य रूप से हल्का थानेसर NLO नेत्री चेयरपर्सन उम्मीदवार तनुजा जी ने शिरकत की और लोगों को श्री चौधरी देवी लाल जी के सम्मान दिवस समारोह पर 25 सितंबर को ज्यादा से ज्यादा लोग और महिलाओं को युवा को पहुंचने का न्योता दिया, जिनके साथ पार्षद उम्मीदवार वार्ड नंबर 5 से मीनू जी व वरिष्ठ नेता NLO से तून खान जी और रजनी बाला मीना रानी अनिल कुमार मौजूद रहे, जिसमें लोगों ने NLO नेत्री तनुजा जी से वार्ड नंबर की समस्या के बारे में अवगत कराया। सभी लोगों ने अपनी सभी समस्याओं को तनुजा जी के सामने रखा। तनुजा जी ने उन्हें आश्वासन दिलाया कि आप मुझे चेयरपर्सन की कुर्सी पर बिठाओ, भारी मात्रा में वोट दिलवाओ और विजय करवाओ। मैं केवल 4 महीने में आपकी सभी गलियां, सड़कें, पानी, जो भी समस्या है मैं दूर करने का वादा करती हूँ और आपको भरोसा दिलाती हूँ कि हमारी सरकार आने पर सबकी पेंशन दोबारा लगाई जाएगी। हमारी सरकार आने पर आपके साथ भेदभाव नहीं होगा और सभी कुरुक्षेत्रवासियों को अपने परिवार की तरह ध्यान से रखा जाएगा। और मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ आप सभी क्षेत्रवासियों से, देशवासियों से, प्रदेशवासियों से कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर चौधरी श्री देवी लाल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करें। इस बार 25 सितंबर की रैली में पूरे भारत में बड़े बड़े दिग्गज नेता, CM, पूर्व CM, बड़ी बड़ी पार्टी के नेता आएंगे, तीसरे मोर्च का गठन करेंगे और मौजूदा सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, जिससे भारत की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर श्री चौधरी देवी लाल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करें।